नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज की वीडियो में हम अपने फर्स्ट Q&A सेशन को देखेंगे, जिसमें हमारे कुछ भाइयों ने हमसे सवाल किए थे, हम उनके आज आंसर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो सवाल है वो है अभिषेक नेगी जी का, जिन्होंने मुझे सबसे पहला सवाल पूछा है कि आप कोई जॉब करते हो क्या। तो मैं अभी कोई जॉब नहीं करता हूँ, मैं अभी फिलहाल पढ़ रहा हूँ। और इनका दूसरा सवाल है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा किया है और अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, थर्ड ईयर को मैं अभी। इनका जो थर्ड सवाल है तो वो है कि आपने कभी गेमिंग की तरफ अपना मन बनाया है, जैसे कि फ्री फायर वगैरह। तो नहीं भाई, मैंने मतलब गेमिंग की तरफ ज़्यादा अपना मन फोकस नहीं किया है। इससे दो तीन साल पहले यानी 2019-18 में जब पबजी था, तब उस समय क्या हुआ था कि जो ट्यूशन टीचर यानी विवेक सर, तो उनने क्या किया था कि हमारे जो सारे फोन्स थे वो ले लिए थे और उनमें से पबजी को अनइंस्टॉल कर दिया था। और उन्होंने अनइंस्टॉल करने के बाद हमें उसका इंपॉर्टेंस समझाया कि देखो, अगर वो टाइम तुम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा अच्छा मतलब ग्रोथ होगा। अगला सवाल है हमारे श्रेयस भाई का यानी श्रेयस पाटिल का। तो इन्होंने सवाल किया है कि नासिक करण मीटअप कर दी। तो नासिक का जो मीटअप होगा वो ऑलमोस्ट पैंडेमिक के बाद हम डिसाइड करेंगे एक तारीख को, और एक किसी जगह पे हम इसका मीटअप कर देंगे। तो अगला कमेंट है हमारा सीए यदु कृष्णा जी ने। तो इन्होंने कहा है कि स्कैनिया इंडिया में वापस आने का कोई चांस है क्या। तो नहीं भाई, इंडिया में उनका चांस नहीं आने का, और अगर आएगा चांस जो है वो ऑलमोस्ट 0.01% है, क्योंकि स्कैनिया कंपनी अभी फिलहाल तो टिपर्स और ट्रक्स बना रही है भारत में, पर बसेज जो है इन्होंने अभी डिसकंटिन्यू कर दिए। अगला सवाल है गौरव पार्सल जी का। तो उन्होंने सवाल किया है कि स्कैनिया बस इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है क्या। नहीं, तो स्कैनिया बस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी नहीं हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट उनका सभी जो प्रोडक्शन है वो भी बंद है, मतलब सिर्फ अभी ट्रक्स और टिपर्स का प्रोडक्शन चालू है, बसेस का प्रोडक्शन उनका बंद है अभी। अगला कमेंट है आदित्य कुमार जी का, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि सागर भाई आप अपना सेटअप टूल दिखाओ, और आप किस सॉफ्टवेयर पर एडिटिंग करते हो, और आप कौन सा मोबाइल शूट करने के लिए यूज़ करते हो, कैमरा कौन सा है वो दिखाओ। तो ये जो बैकग्राउंड दिख रहा होगा इस पर हम शूट करते हैं, ये हमारे कबोर्ड है बेसिकली, और उसके ऊपर अच्छा ग्राफिक बना हुआ है जिसकी मदद से हमें शूटिंग करने के लिए अच्छा बैकग्राउंड मिलता है। और मेरे पास अभी फिलहाल में तो Mi Note 5 Pro है, और ये 2018 से मेरे साथ है, मतलब मेरे लाइफ को चेंज कर दिया भाई इस फोन ने, क्योंकि सच में मतलब देखो ये कोई चाइनीज प्रोडक्ट का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर सच में भाई फीचर्स और कैमरा के बाबत में तोड़ नहीं भाई, क्योंकि स्टेबलाइजेशन सबसे जबरदस्त स्टेबलाइजेशन मिलता है। इसकी जो टेस्टिंग है मैंने ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर आर के स्पीड पर भी निकाली है। जब मैंने आपने देखा होगा कि अशोक लैंड डोज का जो मेरा वीडियो है उसका जो फुटेज है वो मैंने हाईवे पर शूट किया है, और मैं एक यबजेट पर बैठा था पीछे, और ये फोन ऐसा था, और जब 80 किलोमीटर पर आर का स्पीड होता है और ऐसा फोन वाइब्रेट होता है तो भी इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। और मतलब ये जो फोन है ना भाई, अपने बेस्ट फोन्स में से एक है। और एडिटिंग के लिए मैं काइनमास्टर यूज करता हूँ, अगर आपको मिड लेवल की प्रोफेशनल एडिटिंग चाहिए तो आप काइनमास्टर यूज कर सकते हो। अगला सवाल है JS फिल्म वर्सेस जेट प्रोब जो शॉट, पहले इनको कहूंगा कि आप अपना नाम चेंज कर लो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है। इनका सवाल है USA के ट्रक्स इंडिया में चल सकती है कि नहीं। तो नहीं चल सकता इंडिया में, और क्यों नहीं चलता, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्पेसेस है मतलब जो नॉर्मल ट्रक्स के लिए मुड़ने के लिए जगह नहीं होती कभी कभी, तो इनका जो लेंथ होता है वो काफ़ी अच्छा खासा लंबा होता है, और इसी के चलते मतलब इंडिया में इतने सुटेबल नहीं है। और हमारे इंडिया में जो टाटा अशोक लैंड भारत बेंज आयशर महिंद्रा के जो ट्रक्स है वो इंडिया के हिसाब से बनाए, तो इसलिए वो चल सकते हैं इंडिया में, पर ये ट्रक्स का कोई गारंटी हम नहीं ले सकते। अगला सवाल जो है वो है MS गेमिंग, आपका YouTube इनकम कितना है। तो YouTube का इनकम जो है ना वो हम ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, पर आपको एक आइडिया देता हूँ कि मैं हर महीने में Redmi 9 पावर खरीद सकता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 10K to 12K। अगला कमेंट है खगेश्वर नायक जी का। तो उनका सवाल है कि आप कहाँ से हैं। तो मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ भाई, और आई लव खानदेश एंड आई एम खानदेशी, मैं खानदेशी से वो। अगला कमेंट है रुद्राज भाई का। तो इन्होंने लाइफ अचीवमेंट लिस्ट दिए, तो एक एक करके जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले उनका सवाल है कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है। तो मेरी जो ड्रीम कार है वो है रेंज रोवर वेलार। सेकंड है कि आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है। तो मेरी जो ड्रीम बाइक है वो है डोमिनार 250, आई लव दैट। अगला सवाल है यूट्यूब मध्ये क्या अचीव करा है, कि यूट्यूब में आपको क्या अचीव करना है। एक ही टारगेट है कि आपको अच्छा कंटेंट मिले और साथ ही साथ डायमंड प्ले बटन भी अपना आ जाए, पर वो बहुत लॉन्ग टर्म का गोल है, पर अगर आप चाहे तो आप जल्दी भी करवा सकते हैं। चौथा सवाल है कि कधी भेटना राइस, तो लवकरच भेटो आपण, तुम्ही सांगा तेव्हा। अगला सवाल है यूट्यूब वेरिफिकेशन टिक करील, तो अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है, पर वो हार्डली मतलब जून महीने तक आ जाएगा भाई, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है। अगला सवाल है वेलकम कार न्यूज़ का। तो उनका सवाल है कि तुम्ही कुठून आहात। तो मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ भाई। हर्षल सारंग जी का सवाल है कि स्कैनिया के बस चेसिस मार्केट में अवेलेबल है क्या। तो नहीं भाई, स्कैनिया की बस और चेसिस दोनों बंद है फिलहाल, बस सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, चाहे वो बस हो, चेसिस हो या कुछ और भी हो, इनकी सिर्फ टिपर्स और ट्रक्स अवेलेबल है भारत में। अगला सवाल है गौरंग गेमिंग का। तो भाई आपने यूट्यूब चैनल की स्टार्ट कहाँ की। चैनल की स्टार्ट कहाँ से की, तो भाई 10th स्टैंडर्ड के बाद स्टार्ट किया था मैंने यूट्यूब पर सबसे पहले बार। सबसे पहला जो चैनल का नाम था वो आपको सुनकर हंसी आएगी, मतलब उस समय बाहुबली नया नया था, तो मैंने इसे टाइम पास में कटप्पा 63 रख दिया था। उसके बाद आया ट्रक भारत, मतलब उस चैनल का नाम हुआ ट्रक भारत। उसके बाद सागर 95, उसके बाद इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर वर्जन 1,
और उसके बाद फिर इंडियन ट्रांसपोर्ट वर्जन 2। और अभी तो फिलहाल मेरे दो चैनल एक्टिव है, इंडियन ट्रांसपोर्ट 2 और सागर 95। जो दोनों चैनल है वो 2.0 वर्जन के, मतलब ये सेकंड वर्जन है उन चैनल का, पिछले वर्जन का। अगला सवाल है भाई, इंडिया में कौन सी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होने वाली है? तो देखो, इंडिया मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी तो नुक्कड़ नुक्कड़ पर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम खुल रहे हैं भाई। मतलब जैसे कि मतलब एक पता है आपको कि जितनी कंपनियां पेट्रोल बाइक से बन ना, उससे 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनियां भारत में है। मतलब ऐसे छोटी मोटी कंपनियां बहुत है, GX व्हीकल, CS व्हीकल, मतलब ऐसे बहुत सारे। अगला सवाल है प्रो गेमर YP का, तो टाटा ट्रक न्यू सीरीज आर कमिंग और नॉट, इफ कमिंग सो विच सीरीज आर कमिंग? अभी तो हमारे सिर्फ दो सीरीज चालू है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रक सीरीज और इंडियन बसेस सीरीज, तो ये दो सीरीज अभी फिलहाल एक्टिव है, पर इसके बाद भी और सारी सीरीज आने वाली है जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। अगला सवाल है शुभम पांडे जी का, हाउ टू मेक ओन कार और ऑटोमेशन कंपनी अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट? देखो, खुद की गाड़ी की कंपनी डालना मतलब एक नाइटमेयर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपीज की होती है। ऑटोमोबाइल कंपनी में क्या क्या होता है कि आपको पहले आपके एम्प्लॉय ढूंढने पड़ते हैं, आपका सेटअप तैयार करना पड़ता है, आपके प्रोडक्ट्स और उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाना पड़ता है, मतलब इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। ऑलमोस्ट बेसिक जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपीज का होता है, और किसी स्टार्टअप के लिए तो भाई बहुत बड़ा सपना है, ऐसा समझ लो। अगला सवाल है MSS गेमिंग का, इनका सवाल है कि आपका लाइफ एम क्या था? तो लाइफ में मेरा ऐसा है कि मेरे तीन चार मतलब बहुत सारे एम्स है, इसमें कहेंगे कि मेरा पहला एम है कि मुझे इंडिया पूरा घूमना है, दूसरा एम है कि मतलब मेरे पास अच्छा सेटअप होना चाहिए, एक अच्छा PC हो, एक ड्रोन हो, एक अच्छा कैमरा सेटअप हो, ये एक ड्रीम है। और जो फाइनल लाइफ एम है मतलब वो अभी तक मतलब ये सब फिक्स नहीं है, उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है अपना। मैं महेश बाबू सर के एक डॉलर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन, सक्सेस इज जर्नी। आपके सक्सेस में आपको फुल स्टॉप नहीं चाहिए, आपके सक्सेस में कॉमर्स और मात्रा होना चाहिए, मतलब आपके जो गोल्स होंगे उनको और भी बढ़ने चाहिए, मतलब एक आने के बाद दूसरा, दूसरा आने के बाद तीसरा, ऐसा मतलब अच्छी तरीके से चलना चाहिए। और तो बस यही था इस Q&A सेशन के लिए। अगर आपको हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।